मासिक धर्म या पीरियड में करवा चौथ का व्रत महिलाओं को करना चाहिए या न करना चाहिए, जानिए 100% सच्चाई। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो और भगवान गणेश जी एवं चंद्रमा के माध्यम से आप करवा चौथ का यह व्रत निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न कर सके और आपकी समस्त मनवांछित कामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो सके। आज करवा चौथ का महापर्व है, इस विषय में कई दर्शकों के कमेंट्स हमारे पास लगातार प्राप्त हो रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा कमेंट्स और मैसेजेस और फोन इस बात को लेकर के आ रहे हैं कि मासिक धर्म में करवा चौथ का व्रत किस प्रकार करना चाहिए और किस प्रकार पूजन विधान को संपन्न करना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान पूजन आदि करना जो है वर्जित माना जाता है। प्राचीन कथा के अनुसार महिलाओं के लिए मासिक धर्म का नियम भगवान शिव एवं माता पार्वती के कहने पर बनाया गया था। साथ ही कुछ नियम भी इसके लिए निर्धारित किए गए हैं जिनका अनुसरण वो इन दिनों के दौरान कर सकती है। मनुस्मृति और भविष्य पुराण में भी इन नियमों का उल्लेख मिलता है। पहले दिन से लेकर के चौथे दिन तक महिलाएं अशुद्ध रहती है और चौथे दिन स्नान करने के बाद ही महिलाएं शुद्ध होती है, लेकिन पूजन के योग्य 7 दिनों में ही महिलाएं होती है। भागवत पुराण की कथा के अनुसार देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे, उसी समय देवताओं के गुरु बृहस्पति वहां पर आए। अहंकार वश देवगुरु बृहस्पति के सम्मान में इंद्र उठ करके खड़े नहीं हुए। बृहस्पति ने इसे अपना अपमान समझा और देवताओं को छोड़ करके अन्यत्र चले गए। देवताओं को विश्वरूप को अपना पुरोहित बना लिया और विश्वरूप को पुरोहित बनाकर अपना काम चलाना पड़ा, किंतु विश्वरूप कभी कभी देवताओं से छुप करके असुरों के यज्ञ में भी भाग लिया करते थे। इंद्र ने उस पर कुपित होकर के विश्वरूप का मस्तक काट डाला। गुरु की हत्या करने से बहुत बड़ा पाप लगता है। इंद्र ने पाप से पीछा छुड़ाने के लिए भगवान विष्णु का कठोर तप किया। इंद्र के पाप को 4 भागों में विभक्त कर दिया गया, पहला भाग पेड़ों में और दूसरा भाग जल में, तीसरा भाग भूमि में और चौथा भाग और अंतिम भाग जो है स्त्री की मासिक धर्म में समाहित कर दिया गया। महिलाओं को हर माह होने वाला मासिक धर्म उसी पाप का एक हिस्सा है। शास्त्रों में जो उल्लेख मिलता है उसके अनुसार मासिक धर्म के दौरान धार्मिक कार्य पूजन पाठ आदि नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं बनाना चाहिए, भोजन को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, साथ ही जो है बिस्तर आदि पर जो है स्पर्श करना भी मना किया गया है। पति का संग नहीं करना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, देवताओं का पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए, गुरु और बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करके उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। लोक मान्यताओं के अनुसार ऐसे कार्य वर्जित है। जैसे कि कुछ लोक मान्यताएं इस प्रकार भी बताई गई है कि अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, इससे अचार खराब हो जाता है। पेड़ पौधे में पानी डालने से पेड़ पौधे सूख जाते हैं। श्रृंगार नहीं करना चाहिए और जमीन पर शयन इस दौरान करना चाहिए। घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए, बुरी नज़र और बुरा प्रभाव इसके कारण हो जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण के अनुसार महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक शारीरिक क्रिया है। इस समय उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार करना जो है वैज्ञानिकों ने इसको गलत बताया है, लेकिन धार्मिक नियम भी कुछ होते हैं। धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है और धर्म में जो भी चीजें लिखी हुई है वो वैज्ञानिकता है। इस कारण जो है मासिक धर्म में पूजन पाठ करना वर्जित बताया गया है। यदि आप किसी व्रत को करते हैं और अचानक मासिक धर्म की स्थिति निर्मित हो जाती है तो व्रत तो आपको करना चाहिए, लेकिन आपको उस दौरान भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, भगवान का पूजन अर्चन वंदन नहीं करना चाहिए। साथ ही पूजा पाठ से संबंधित किसी भी वस्तु को हाथ नहीं लगाना चाहिए, उनको छूना भी नहीं चाहिए।
यदि आप करवा चौथ का व्रत रखते हैं और करवा चौथ के व्रत के एक दिन पहले या इसके आसपास आपको मासिक धर्म की स्थिति निर्मित हो चुकी है, तो आप जो है पूजन पाठ नहीं करें, केवल जो है व्रत आवश्यक रूप से रखें और अपने पतिदेव के द्वारा चंद्रमा का पूजन आप करवा सकते हैं, भगवान गणेश जी का पूजन आप करवा सकते हैं और आप स्वयं जो है पतिदेव के दर्शन करें और चंद्रमा का भी दर्शन करके उनको दूर से ही प्रणाम करें। इस प्रकार आपको पूजन अर्चन में हिस्सा नहीं लेना है, व्रत आपको करना चाहिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कमजोरी आप महसूस करते हैं, तो आप जल पी करके या जूस पी करके या फल और फलाहार ग्रहण करके भी जो है इस दौरान व्रत कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, कोई संशय नहीं है, लेकिन आपको इस दौरान भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, पूजन पाठ नहीं करना चाहिए। और धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि 4 दिन में महिलाएं शुद्ध हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो स्थिति रहती है 3 दिन, वो भी अपवित्रता की मानी जाती है। इस दौरान घर के सभी काम कर सकते हैं 4 दिन के बाद, लेकिन पूजन पाठ का जो विधान है वो 7वें दिन का स्नान करने के बाद ही करना चाहिए। उस स्थिति को पवित्र स्थिति माना गया है। तो आपको हम बता दें कि यदि करवा चौथ का व्रत आप कर रहे हैं तो आप व्रत करते रहें, लेकिन पूजा पाठ अपने पतिदेव के हाथों से आप संपन्न करवा लीजिएगा। इस पे किसी भी प्रकार का कोई दोष और संशय पालने की जरूरत नहीं है। यदि आपको इसके बाद भी कोई मन में शंका है, संशय है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपका जवाब अवश्य ही आपको प्रेषित करेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।